कभी कभी रोशनी की एक छोटी सी किरण, एक छोटा सा सपना हमें इस कदर दीवाना बना देता है कि उसके पीछे दौड़ते हुए न जाने हम कहाँ पहुंच जाते हैं। बस इतनी सी आज की कहानी है और यही आप सबको सुनानी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी नहीं, बहुत ज़्यादा हो रहा है। लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है कि चालू हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा। रोज़ सुबह उठूँगा ना, कभी पता चलता है नया रिस्ट्रिक्शन, कभी पता चलता है रिस्ट्रिक्शन ख़त्म, कभी पता चलता है घूम सकते हो, कभी पता चलता है कि नहीं घूम सकते। किसी को कुछ मालूम नहीं, आधा इंडिया पहुंच गया लद्दाख में, आधा इंडिया पहुंच गया स्पीति में। हम लोग रोज़ सुबह उठ के सिर्फ न्यूज़ देख रहे हैं। अभी कुछ तो अलग दिखाएंगे आपको, ऑब्वियसली एज यूजुअल। वैसे इंट्रो में देखा होगा ना आपने ऑलरेडी, शिवम को तो जानते हो आप, चिराग को भी जानते हो। हाय। इट्स लाइक यू हैव टू हैव दीज सिमिलर काइंड ऑफ क्रेजी पीपल टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। रात के अभी 11 बज रहे हैं और हम लोग पाली रोड पे हैं, चाय पीने के लिए रुके हैं। इट्स अ टी बाय रिकमेंडेशन। पीछे एक होटल बंद था जिन्होंने बताया कि इधर जाके चाय पियो, अच्छा है, एंड एक्चुअली अच्छा है। बाय द वे, पाली रोड का जो हालत है, हाँ ये जरूर बता दो। अभी 1 किलोमीटर पहले ना लेफ्ट में जगह थी ना राइट में जगह थी, सिर्फ यू टर्न लेने के लिए जगह थी, सामने पूरे खड्डे ही खड्डे। इधर आना है तो मॉन्स्टर ट्रक लेके आना, एसयूवी भी लेके नहीं बताना। एसयूवी भी नहीं चलेगी इसमें तो, बहुत गंदा रोड है। इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट और अभी हम लोग पहुंचे हैं पाली, सुधागढ़ पाली। बाय द वे, द थिंग इज वी आर नॉट गोइंग टू बाय फूड फ्रॉम एनीवेयर ऑन दिस ट्रिप। दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रायल दैट वी आर डूइंग, तो इसके बारे में मैं सुबह आपसे बात करूंगा। सुबह मैं आपको इस ट्रिप के बारे में और भी डिटेल्स दूंगा, बिकॉज देयर इज समथिंग दैट आई नीड टू नो फ्रॉम यू गाइस आल्सो, क्योंकि एक नया टाइप का ट्रैवल ट्राई कर रहा हूँ और आपको दिखाने की मेरी तो चाहत है कि मैं सोच रहा हूँ कि यार इस तरह का ट्रैवल आपको ज़्यादा दिखाऊँ, लेकिन वो आपको पसंद आना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना पड़ेगा, आपको कमेंट करके लाइक करके बताना पड़ेगा। बट अभी जल्दी मत करो, बिकॉज सुबह डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। सो बेसिकली इफ़ यू कंटिन्यू ट्रैवलिंग विद दिस स्टाइल, तो अपने व्लॉग्स में आपको सिर्फ लोकेशंस 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 डेस्टिनेशंस नज़ारे बस यही सब चीज़ें दिखेंगी। डेफिनेटली नो क्रैप, नो क्लटर, नथिंग। यस, तो इसकी एक ट्रायल शुरुआत इस ट्रिप से हो रही है। बिल्कुल, कल सुबह आपको और डिटेल्स पता चलेंगी। अरे मी बोलतो है, तू स्वतःचा तोंड का दाखवतो तो है। मैं इकड़े, हाँ ठीक है। तो अभी पहुँचते हैं, टेंट लगाते टाइम ही मिलेंगे ना डायरेक्टली, क्योंकि ये रोड ऐसा है ना पाली वाला, आई मीन जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। तीन बार अभी तक, अच्छा अभी, रोड है। अभी तक तीन बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ यूटर्न के लिए ही जगह थी, सीधा जाने के लिए जगह ही नहीं थी। एनीवेज, एज आई एम सेइंग दिस, वी आर जस्ट क्रॉसिंग दिस अष्टविनायक टेम्पल, बल्लारेश्वर टेम्पल ऑफ पाली। सो बाहर से ही गणपति बप्पा मोरिया मोरिया। अभी आपको पता चल गया होगा कि ये रात का जो टाइम है, बाहर का कुछ दिखा नहीं सकता, तो मैं आपको पका रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम बाइट कर रहा हूँ, क्योंकि 10 मिनट का व्लॉग तो बनना चाहिए ना, नहीं तो ऐड नहीं दिखेंगे। तो अभी बहुत हो गया, अभी पहुंचते हैं सीधा लोकेशन पे, टेंट सेटअप करते टाइम मिलेंगे। इट्स 1:45 इन द नाइट, डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं हम लोग और टेंट भी सेटअप हो चुका है। दिस इज वेयर वी विल बी स्पेंडिंग द नाइट टुनाइट। और अभी आपको ऑलरेडी पता है इंट्रो, ये इंट्रो वाला फंडा है ना, मेरे को कभी कभी पसंद नहीं आता, क्योंकि सारा सस्पेंस ही रिवील हो जाता है। अभी आपको ऑलरेडी पता है कि ये टेंट के सामने का व्यू क्या है, पर हमें अभी तक पता नहीं है। आपने तो सुबह वाला शॉट देख लिया है, अभी तो सुबह होनी है, सुबह होगी तब पता चलेगा कि इसके सामने क्या है। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पहुँचने से हार्डली 50 मीटर पहले यहाँ पे जो टनल था, क्या बात है यार। जब हमने फर्स्ट टाइम मतलब वो टनल में एंटर किया ना, आई लिटरली हैड गूज़बम्प्स। इतना प्यारा व्यू है उस टनल का, सुबह तो दिखाऊंगा ही मैं आपको, और
यार दिस इज ऑल वर्थ द ड्राइव. 100 किलोमीटर ड्राइव करना वसूल हो गया, और अभी और वसूल हो रहा है यहाँ पे क्योंकि रात के 2:15 मैगी बन रही है. वाह व्हाट अ टाइमिंग, एकदम परफेक्ट. ये अपना कुक सीजल ना नीट. हाँ बिल्कुल अपना कैंपिंग स्टोव ब्यूटेन वाला आज पहली बार इन फील्ड यूज हो रहा है. इससे पहले तो सिर्फ आपको उसका डेमो दिखाया था मैंने, आज पहली बार उस पर खाना बनेगा और हम कैंपिंग के टाइम पे उसमें से खाएंगे. और अगले कुछ टाइम तक मतलब कल का पूरा दिन और कल रात को जब भी हम घर पहुंचेंगे, जहां भी घूमेंगे, ये एक अलग तरह का सेल्फ सफिशिएंट कैंपिंग वाला ट्रैवल एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं. दिखाने की कोशिश तो बाद में है, करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर अच्छा लगा, पसंद आया, मज़ा आया तो और करेंगे, आपको पसंद आया तो और दिखाएंगे. अभी फ़िलहाल डिनर का टाइम है, मैगी खा लेता हूँ. मैगी होती है, लेकिन लोकेशन पे आके मैगी खाने का और बना के खाने का अलग ही मजा है. दिस इज समथिंग न्यू, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ. ये बाबा शेफ वाला, शेफ इनकी कृपा से मैगी मिली है. रात के 2:00 बाय द वे, तो बाकी सब कल सुबह. हाँ मजा आया. कैमरामैन चिराग के साथ और कुक शिवम के साथ कुंदन साइनिंग ऑफ फॉर द नाइट. कल सुबह मिलते हैं डायरेक्टली या टेंट में गप्पे लड़ाने हैं? नहीं यार सो जाते हैं, कल सुबह मिलेंगे. इट वॉज हार्डली अ 2 hours नैप, लेकिन मानो इन 2 घंटों में हम किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे. यहाँ पर बिताया हुआ हर एक पल मेरे लिए एक एक गोल्डन मेमोरी है, और ये हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ है. सारे नज़ारे देखने के बाद वैसे तो गुड मॉर्निंग कहने की ज़रूरत तो है नहीं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो यार दिस इज सच अ वंडरफुल मॉर्निंग. 7-8 बजे अभी, इट्स
7:55 राइट यस 8 बजे और हम इतना सब कुछ कर चुके हैं, जो भी आपने अभी देखा ना वो सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सुबह 6 बजे उठ के सामने जो नज़ारा दिखा बस तब से बाहर निकले एंड वी आर इनटू फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ड्रोन शॉट्स। अभी एक्चुअली ना थोड़ी सी भूख लगने लगी थी, पेट ने थोड़ा सा आवाज़ देना चालू किया था, तो कॉफ़ी बनाया, अभी मैगी बनाना बाकी है। तो कॉफ़ी रेडी है, इट्स वेटिंग फॉर मी, एक कॉफ़ी देने वाला। और अभी अपना शेफ गुरुजी, मैगी कब बनेगी? बस कॉफ़ी के बाद सीधा मैगी की तैयारी है। ये नाश्ते में मैगी भी बनने वाली है। बाय द वे अजून एक गोष्ट, दूध पावडर चिरागने आणली नाही त्याच्यामुळे आम्हाला ब्लॅक कॉफी प्यावी लागती आहे, बट ठीक आहे, शिवम की कृपा से ब्लॅक कॉफी भी अच्छी बनी है। एंड एज आई एम सेइंग दिस, इस तरफ पूरी वैली में क्लाउड जम गए। अभी थोड़ी देर पहले उसी वैली में अपना ड्रोन फ्लाई हो रहा था और अभी पूरे क्लाउड्स आ गए उधर। सो नाउ इट्स टाइम टू वाइंड अप फ्रॉम हियर, मैगी भी खा के हो गई है और सब बर्तन वगैरह धो के भी सब साफ हो चुका है। बट द व्लॉग इज़ नॉट गोइंग टू एंड बिकॉज वी हैव जस्ट फाउंड आउट देयर इज अ प्लेस, आई विल जस्ट शो यू। यहाँ पे यू कैन सी सामने वो जो जगह है ना एग्जैक्टली मेरे फिंगर टिप के पास, वहाँ पे आने के लिए एक पगडंडी दिख रही है, तो अगर वहाँ पे हम पहुँचेंगे ना तो वहाँ से पूरे वाटरफॉल का व्यू मिलेगा, जो आपको ड्रोन शॉट में दिखा है अभी ऑलरेडी, कि ड्रोन जब वहाँ लेके गए थे तो पूरा वाटरफॉल दिखा था, लेकिन हमने खुद अपनी आंखों से देखा नहीं है, सिर्फ स्क्रीन में देखा है। तो हमें वहाँ पे जाके ये पूरा वाटरफॉल देखने मिलेगा ऐसा लग रहा है। सो द नेक्स्ट थिंग विल डू इज़ वाइंड अप फ्रॉम हियर एंड गो टू दैट प्लेस और वहाँ पे जाके पूरा वाटरफॉल देखेंगे। बट बिफोर वी लीव फ्रॉम हियर देर आर टू थिंग्स दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज। एक तो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसा कल रात को भी बताया था, दिस इज़ समथिंग न्यू दैट वी आर ट्राइंग, खुद का सब सामान साथ में लेके चलो और कैंपिंग करते हुए घूमो। वैसे तो बहुत से लोग बहुत पहले से ये कर रहे हैं, बट नाउ इट इज़ काइंड ऑफ कमिंग इनटू ट्रेंड, तो वी थॉट कि चलो इसको भी ट्राई करते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है और अगर आपको ऐसे ही नए नए लोकेशंस इस तरह से एक्सप्लोर किया हुआ देखना है तो कमेंट करके बताओ, अगर आप लोग इंस्पायर करोगे ना तो ही कुछ नया ट्राई करेंगे, अदरवाइज फिर नया ट्राई करने में मज़ा नहीं आएगा। सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली, ये जो कैंपिंग स्टोव आपने देखा, ये वाला कैंपिंग स्टोव इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में दिखाया था और मैंने ये भी बताया था कि ये कैंपिंग स्टोव आप लोग जीत सकते हो। किस तरह से जीत सकते हो? इट्स सिंपल, एंजल ब्रोकिंग पे आपका अकाउंट बनाओ, डीमैट अकाउंट, उसके सारे डिटेल्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें मिल जाएंगे, तो लिंक पे क्लिक करो, देयर एग्जीक्यूटिव विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करो, कमेंट करके बताओ ये वाला ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है। तब तक हम लोग पूरा टेंट वगैरह वाइंड अप करते हैं और चलते हैं उस वाले पॉइंट पे। Well, it took us less than 10 minutes to reach from the first point to the second, as it was not even 1 kilometer. But this tunnel was the highlight of this drive. Not just this drive, the tunnel was highlight of this entire trip. As expected, it's less than 1 kilometer from that point. Hardly 1 kilometer gaadi chala ke aaye aur ye 2 minute ka walk. And here we are. Oh wow. वेल, आई एम प्रिटी श्योर इससे अच्छी प्लेस हो ही नहीं सकती व्लॉग को एंड करने के लिए। आई मीन लुक एट दिस यार, क्या व्यू है। वी वर राइट देयर, वहाँ पे हमने टेंट लगाया था और यहाँ पे कहीं पे आके बैठे थे हम लोग सुबह सुबह। लुक एट दिस, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल। बट लेट्स एंड द व्लॉग ओवर हियर। अभी यहाँ से वापस जाने का जो जर्नी है ना
उसमें भी हम दो तीन अलग अलग प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं. इट्स नॉट दैट यहाँ से निकल के सीधा घर जाएंगे, बिकॉज आज का पूरा दिन है अपने पास. बट बिफोर एंडिंग द व्लॉग आई एम गोइंग टू शो यू सम क्लिप्स फ्रॉम अ मूवी. मराठी मूवी है हैप्पी जर्नी, जिसमें पहली बार मैंने ये कैरावान का कल्चर देखा था, जो एक्चुअल कैरावान पे बेस्ड पूरी मूवी बनी थी. और उसका जो कैरावान का उनका आउटिंग का शूट था ना, वो यहाँ पे कुंभे वाले टनल में हुआ था. एंड दैट इज़ द रीज़न आई वॉन्टेड टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ ट्रैवल फ्रॉम दिस वेरी प्लेस, बिकॉज दैट मूवी हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन मी. तो बस यहीं से शुरू करना था और उसी मूवी से ये कुछ स्निपेट्स आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे. आई होप मूवी वाले कॉपीराइट स्ट्राइक ना डाल दे इस पे. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में यहाँ से आगे की कहानी के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी. कीप काउंटिंग किलोमीटर्स.